हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आप कैसे अपनी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड शिकायत को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओम्बुड्समैन यानी कि लोकपाल के पास पहुंचा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, तो जैसे समझ लीजिए आपको कुछ प्रॉब्लम है अपने कार्ड से रिलेटेड कुछ भी, और बैंक को आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, मतलब जिस बैंक ने आपको वो क्रेडिट कार्ड दिया है उसके कस्टमर केयर को लिखने के बाद या ब्रांच विजिट करने के बाद या कोई भी डिस्प्यूट फॉर्म भरने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रेडिट कार्ड में अगर आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले आप अपने बैंक को कॉन्टैक्ट कीजिए। जैसे मैं बताना चाहूँगा, मेरे पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है और मैं अगर इसके कस्टमर केयर या कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे आता हूँ, तो देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे ईमेल अस हो गया, कॉल अस हो गया, ये इनका फ़ोन बैंकिंग नंबर या क्रेडिट कार्ड नंबर जो भी है, मतलब वो यहाँ डिस्प्ले करेगा जैसे मैं इनको क्लिक करूँगा। राइट टू अस में आप मतलब उनको लेटर लिख सकते हैं, फिर साथ साथ में इनके नोडल ऑफिसर वगैरह भी रहते हैं। तो इन सभी को कॉन्टैक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड शिकायत है वो बैंक दूर नहीं कर पा रहा है और आपको सही रिजोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्रोच कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि ट्विटर वगैरह पे भी इन लोग जो कस्टमर्स हैं उनकी हेल्प करते हैं। जैसे ये HDFC बैंक ने एक ट्विटर हैंडल खोल के रखा है और यहाँ पर एक HDFC बैंक केयर्स नाम का भी ट्विटर हैंडल है, तो यहाँ पर भी आप ट्वीट करके इनसे हेल्प ले सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। पर समझ लीजिए, अगर आपकी तब भी प्रॉब्लम नहीं होती दूर, तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओम्बुड्समैन वाली साइट पर आ जाइए और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, उसको फॉलो कीजिए, आपको पूरी बैंकिंग लोकपाल के जितने भी मतलब एड्रेसेस है वो मिल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, फॉर कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू क्रेडिट कार्ड्स एंड अदर टाइप ऑफ सर्विसेज विद सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस, कंप्लेंट्स मे बी फाइल्ड बिफोर द बैंकिंग ओम्बुड्समैन विद इन हुज टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन द बिलिंग एड्रेस ऑफ द कस्टमर इज लोकेटेड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बोल रहा है कि आप अपनी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड शिकायत बैंकिंग ओम्बुड्समैन को भेज सकते हैं और उस बैंकिंग ओम्बुड्समैन को ही भेज सकते हैं जिसके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में आपका बिलिंग एड्रेस है क्रेडिट कार्ड का। तो देखिए, जैसे समझ लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड का बिलिंग एड्रेस भोपाल मध्य प्रदेश का है, तो उस केस में फ्रेंड्स आपको जो अपनी शिकायत लोकपाल को भेजनी है वो भोपाल के लोकपाल को भेजनी है, यानी कि मध्य प्रदेश में जो लोकपाल है RBI ओम्बुड्समैन का एड्रेस भोपाल का है, उसको भेजनी है। और इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जहां बिलिंग एड्रेस है क्रेडिट कार्ड का, उसी स्टेट के ओम्बुड्समैन को कॉन्टैक्ट कीजिए, किसी दूसरे स्टेट के मत कीजिए, आपकी कंप्लेंट रिजेक्ट कर दी जाएगी या क्लोज कर दी जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक हियर फॉर अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ बैंकिंग ओम्बुड्समैन, यहाँ पूरे लिस्ट में एड्रेस दिख जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे समझ लीजिए आप भोपाल के हैं और आपको क्रेडिट कार्ड जो मिला है यहीं से मिला है और बिलिंग एड्रेस भी आपका यहीं का है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप भोपाल के बैंकिंग ओम्बुड्समैन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर इनका पूरा नाम, ऑफिस एड्रेस और ईमेल आईडी दिखा रहा है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स, जैसे समझ लीजिए आप सूरत में रहते हैं, आपका बिलिंग एड्रेस सूरत का है, तो उस केस में आपको अहमदाबाद के बैंकिंग ओम्बुड्समैन को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर उनका जो नाम, एड्रेस और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। बाकी फ्रेंड्स, इस पेज की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन को जब आप कॉन्टैक्ट करते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका है आप उनको स्नेल मेल भेजिए, मतलब स्पीड पोस्ट कीजिए या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट कीजिए या फिर नॉर्मल पोस्ट कीजिए, जैसे भी आपको लगे। पर मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अपने पोस्ट के साथ आप अपने बैंक को जो भी इसके पहले करस्पोंडेंस किए थे कि मेरी प्रॉब्लम यह है, आप इस पे मतलब कार्रवाई कीजिए, और आपके उचित कार्रवाई नहीं हुई या जो भी कार्रवाई हुई इससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो वो जितनी भी ईमेल हैं या लेटर हैं बैंक को जो आपने भेजा था, उनकी एक कॉपी बैंकिंग ओम्बुड्समैन को जरूर भेजिएगा। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, जो सबसे एक और तरीका है
बैंकिंग ओम्बुड्समान को कांटेक्ट करने का, तो वो ईमेल के माध्यम से। तो ईमेल के माध्यम से अगर आप इनको कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में आपने अपने बैंक के साथ जो भी करस्पॉन्डेंस किया है लेटर के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से, उसकी एक कॉपी ईमेल में अटैच कर दीजिएगा। हो सकता है आपको पीडीएफ स्कैन करना पड़े, मतलब स्कैन करके पीडीएफ फाइल बनाना पड़े, या फिर फ़ोटो अटैच कर दीजिए, या फिर अगर आपका ईमेल है तो उसको कन्वर्ट कर दीजिए पीडीएफ में और बैंकिंग ओम्बुड्समान के इस ईमेल एड्रेस पे, मतलब जो भी ओम्बुड्समान को आपको अपनी कंप्लेंट भेजनी है उसके ईमेल एड्रेस पे आप भेज दीजिए। तो इससे क्या होगा कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को ये क्लियर हो जाएगा कि आपने सबसे पहले बैंक को कॉन्टेक्ट किया था और उनने आपकी मदद नहीं की, या जो मदद की उससे आप संतुष्ट क्यों नहीं है। तो ये आप लिख के भेज दीजिए अपनी कंप्लेंट में। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो फ़िलहाल मेरे को ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ा है। क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट मतलब जो HDFC बैंक का है वो बहुत सही है, मेरे को आज तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। पर मैंने कुछ ऐसे केसेस सुने हैं जिसमें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक को कहा है उचित एक्शन लेने के लिए अपनी जो भी उसकी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप बार बार बैंक के चक्कर मत काटिए। बैंक को एक दो बार कांटेक्ट कीजिए, जैसे कस्टमर केयर को कीजिए, अपने जहाँ पर आपका होम ब्रांच है उसको कांटेक्ट कीजिए, नोडल ऑफिसर को कीजिए। अगर आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िए, क्योंकि उसमें मैंने और भी जानकारी दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।